अंदर हम लोग पहले देखते हैं आर टाइप और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस। आर टाइप और डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में आर टाइप वो होती हैं जिस तरह ऐड और सब हो गई, लेकिन डेटा ट्रांसफर में जिस तरह स्टोर वर्ड और लोड वर्ड है। सही, अब ये जो मक्स है ना, ये रजिस्टर डेस्टिनेशन के, हमारे रजिस्टर के डेस्टिनेशन में क्या जाएगा, मतलब अगर वो लोड वर्ड है स्टोर वर्ड है तो ये जो 15 से 11 वाला है ये रजिस्टर पे ऐड हो जाएगा जाके, लेकिन अगर वो आर टाइप के इंस्ट्रक्शन है तो 20 और 16 जाके ना राइट रजिस्टर पर राइट होंगे। सही है, देन हमारे पास एक ALU का सोर्स रजिस्टर है जो हम लोगों को रीड करके डेटा देगा। अब जो इमीडिएट के केस में होता है तो 16 बिट की वैल्यू होती है, तो साइन एक्सटेंड के जरिए हम उसको 32 बिट कन्वर्ट करेंगे और स्टोर, ये मैं इमीडिएट फॉर्मेट स्टोर वर्ड और लोड वर्ड की बात कर रही हूँ। सही, उसको कन्वर्ट करेंगे हम अगर, तो वो ALU पे जाएगा, लेकिन अगर सिंपल अगर हमारे पास आर टाइम इंस्ट्रक्शन है तो डायरेक्ट मक्स में जाके ALU से हमें रिजल्ट जनरेट करके दे देंगे। सही है, अब देन हम तीसरे मक्स पे आते हैं, मेमोरी टू रजिस्टर। मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर क्या है कि एक तो ALU से डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा होगा, वो कौन सा रिजल्ट आ रहा होगा जो हम लोगों ने स्टोर वो कौन सी आर टाइप के इंस्ट्रक्शंस के लिए क्या होगा, लेकिन अगर हम लोग स्टोर वर्ड और लोड वर्ड के इंस्ट्रक्शंस के लिए बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट रीड डेटा में जाके वो रीड कर लेगा। अब यहाँ पे ये जो राइट डेटा है वो रीड डेटा से जाएगा स्टोर वर्ड के केस में, क्योंकि स्टोर वर्ड के अंदर क्या होता है कि रजिस्टर से मेमोरी में जा रहा होता है, तो रजिस्टर से मेमोरी जो हमारे पास ये है मेमोरी जा रहा। सही, मेमोरी रजिस्टर एक, अब ये देख स्टोर वर्ड के देखो ये मक्स जो है ना ये जाएगा हमारे पास डायरेक्ट राइट डेटा में। सही है, अब ये वाला अगर ALU का हुआ तो डायरेक्ट हम लोगों को आर टाइप के इंस्ट्रक्शंस में राइट डेटा हो जाएगा, लेकिन अगर ये उसका है स्टोर वर्ड या लोड वर्ड का तो पहले इसके अंदर राइट डेटा होगा, फिर राइट डेटा के अंदर रीड डेटा, फिर उसके बाद राइट डेटा का रीड डेटा होगा, फिर स्टोर वर्ड और लोड डेटा के केस में हम लोगों को पहले मेमोरी के अंदर राइट कराना पड़ेगा डेटा, फिर मक्स से रीड कराना पड़ेगा, एंड देन हम लोगों को जाके इसमें भेजना पड़ेगा राइट डेटा के अंदर अपने रजिस्टर राइट के अंदर। दैट्स इट ऑल अबाउट।